जी सर, व्हाट इज द मैटर अबाउट सर? मैटर इज ऑल अबाउट दिस क्लबशिप. आई एम चैलेंजिंग, नॉट चैलेंजिंग एनी स्पेसिफिक ऑर्डर. दिस इज आई एम ओनली हैव अ ग्रीवेंस दैट माय फील्ड इज बीन कल्टीवेटिंग बाय रिस्पोंडेंट नंबर्स 9 एंड 10 फोर्स. सिविल सूट में क्यों नहीं जा रहे हो सर? ऑलरेडी पेंडिंग सिविल सूट काफी टेंपरेरी इंजंक्शन लीजिए ना. क्लबशिप एट अरे टेंपरेरी इंजंक्शन नहीं ले सकते क्या? ग्रांट नहीं होगा अर्जेंटली बिकॉज हम टेंपरेरी इंजंक्शन टेंपर अरे पहले आप मेरे प्रश्न पर, टेंपरेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाई क्या? नहीं लगाई लॉशिप, नहीं लगाई. क्यों नहीं लगाई? ऑलरेडी सेवरल पेटिशन आर पेंडिंग सूट सब इन द एट द कोर्ट ऑफ बी. आपसे जितना पूछ रहा हूं पहले उतना बताइए, फिर मैं आपको सुनूंगा ना. आपने सिविल सूट फाइल किया हुआ है? लॉशिप ऑलरेडी पेंडिंग है. आपकी टेंपरेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल हुई इस पर्टिकुलर के लिए? इसी केस का तो पूछूंगा और किससे पूछूंगा. आपने टेंपरेरी इंजंक्शन की फाइल की? नहीं करी लॉशिप. पक्का? लॉशिप. मैं ऑर्डर में लिखाऊंगा सर लॉशिप बिकॉज एज पर द सुन लीजिए. क्यों नहीं की रही सर? बिकॉज ऑलरेडी सेवरल पिटीशन पेंडिंग बिटवीन द पार्टीज पिटीशन नंबर 9 एंड 10. आपने सिविल सूट क्यों फाइल किया है? सिविल सूट आर नॉट बीन फाइल्ड बाय अस. तो सपोज आर फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 9 एंड 10 आपके खिलाफ लॉशिप. दावे की नकल दिखाइए. दावे की नकल दिखाइए. I have not on record brought Fair. This is only for the I have a grievance that my cultivating land only on the basis of forcefully they are cutting the crops. Possession का झगड़ा है. Civil suit already pending है. Already हारा है lordship उसमें. आप defendant हैं. आप defendant होकर भी temporary injunction की application लगा सकते हैं. So that is true. But At present, the grievance is that हमारी फसल 40 एकड़ फसल पे लगातार फोर्सफुली से कब्जा करके वो कट लगातार कट कर रहे हैं और हमने वो लगातार वहाँ पे रिस्पॉन्डेंट 1 to 7 तक रिप्रेजेंटेशन दिया. सर मुझे एक 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 एक, एक जजमेंट बताइए सर. सर राम सुमेर पुरी महंतो वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? That is true, but अरे क्या कहा क्या है सर? True और wrong मत बोलो सर. सर I am not aware of that. बस यही तो है, इसलिए आप मेरे प्रश्न का असली आशय नहीं समझ रहे हैं. उनका कहना है कि जब सिविल सूट पेंडिंग हो तो ये 145 की प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती. और अगर कोई आपको बेदखल कर रहा है तो 145 में ही पुलिस कार्यवाही करेगी. अरे किस प्रावधान में कार्यवाही करेगी? फाइल द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट. हां मेरे भाई, आप प्लीज आंसर माय क्वेरी. अंडर व्हिच प्रोविजन ऑफ लॉ द पुलिस विल टेक एक्शन? प्लीज प्लीज सेटिस्फाई मी सर. Under which provision of law the police will take actions? But not even they are taking. अरे यार कानून तो बता सकते हो, कानून तो बता सकते हो ना मेरे को. But lordship, I have. मेरे को कानून तो बता सकते हो ना, बताओ ना please. Under which provision of law the police will take actions? Lordship, but at least they may. अरे तो किस में register करेंगे? I will see to that lordship. हैं? See to that law lordship because I have not. ये तो प्रॉब्लम है, पिटीशन फाइल हो जाती है, जवाब देते नहीं हो, फिर हम लोग तो चढ़ बैठते हैं उस 308/2024. दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फाइल्ड सीकिंग द फॉलोइंग रिलीफ. इट इज सबमिटेड बाय काउंसिल फॉर पिटीशनर दैट पिटीशनर इज इन पोजेशन ऑफ खसरा नंबर 37/22/1, 4/1/1, 2/1, 53/1, एरिया 12.94, 0.97, 0.040, 1.420, 5.050 हेक्टेयर्स रिस्पेक्टिवली सिचुएटेड एट विलेज मंडी बामोरा तहसील बीना डिस्ट्रिक्ट सागर. द रिस्पोंडेंट्स नंबर 8 to 13 आर फोर्सफुली harvest cutting the crop sown by the petitioner. The petitioner has made a number of complaints to the respondents number 1 to 7, but no action has been taken, and accordingly it is submitted that accordingly the present petition has been filed. Aapne civil suit ke bare mein likha hai kya isme? No, I have not. It is during the course of arguments it was fairly considered by counsel for petitioner that he has not disclosed the fact that the respondents number 8 to 13 have filed a civil suit against the petitioner. Only 9 to 10 lawsuit. 9 to 10 have filed a civil suit against the petitioner. Since the factum of filing pendency of civil suit has not been disclosed, therefore, there is no question of filing the copy of the plaint also.
Thus, it is clear that a matter is pending between. Only that. Kindly see the at page number 33 of my petition lawsuit, whereby at column number 12, the name of the private respondent already deleted from that khasra lawsuit, and it just says that we are the possession holder of this property. तो साहब मैंने साफ तो लिख दिया ना कि मैंने ये डिसाइड नहीं किया है, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी सर. मैंने ऑलरेडी दिस ऑनरेबल कोर्ट वाइड ऑर्डर डेट 25/2024 ऑलरेडी पास द ऑर्डर रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ द रीजनल कमिश्नर कंफर्मिंग दैट वी आर द पोजीशन होल्डर एंड वी कैन म्यूटेट माय नेम इन द खसरा रिकॉर्ड लॉशिप एंड वी आर द फोर्सफुली रिस्पोंडेंट नंबर 9 एंड 10 आर कल्टीवेटिंग कटिंग द क्रॉप्स लॉशिप द ओनली ग्रीवेंस दैट At least till the pendency of and filing of Rajin साहब, ये जो आदेश आप बता रहे हो ये सब 2024 के आदेश हैं, जून जुलाई के. और फसल कब बोई जाती है? अगर आप चाहते हो फाइंडिंग्स दे दूं तो मैं दे सकता हूं. That has been cultivated in the month of April and May. अगर आप चाहें तो मैं फाइंडिंग्स फिर दे सकता हूं कि आपने प्राइमा फेसा ये प्रूव करने से छोड़ दिया. मैंने छोड़ दिया सब कुछ. चाहिए ऑलरेडी है भाई साहब, मेरे पे चिल्लाने के बजाय ट्रायल कोर्ट में जाके सही सलाह के हिसाब से क्यों नहीं फाइल करते हो? आपको किसने मना किया कि सिविल सूट में आप दरखास्त नहीं पेश करेंगे? हाईकोर्ट इज नॉट मेंट फॉर एवरी लिटिगेशन. वंस अ सिविल सूट इज पेंडिंग, व्हाई शुड आई पास एन ऑर्डर विद रिगार्ड टू द पोजेशन? जब मैंने आपसे पूछा राम सुमेर पुरी महंत वाले में क्या जजमेंट है, आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम है. जब लॉ जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको बाई चांस नहीं भी मालूम है, तो फिर जो मैं लिख रहा हूँ उसको स्वीकार कीजिए. और अगर पता है तो मुझे फिर बताइए कि मैंने क्या गलती मेरे से हो रही है. दोनों तो इनविटेशन दे रहा हूँ ना, या तो विश्वास कर लो या फिर कन्फ्रंट कर लो. आप कन्फ्रंट कर लो तो मैंने कन्फ्रंट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी. सर ये जजमेंट है चालीस एकड़ का खेत लगातार हो रहा वहां पे, इसलिए आए थे. सब गलत सलाहें मिलेंगी तो ऐसे ही होगा. आप सही सलाह मिल गई है, वहां चले जाओ.